स्टूडेंट्स, इन आर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्ट डिस्कशन अबाउट मेंडल्स वर्क। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल काइंड ऑफ एग्जाम्स लाइक CBSE, NEET एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो बी केयरफुल वाई गोइंग थ्रू दिस टॉपिक एंड बी अटेंटिव। इन लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट मेंडल टूक पी प्लांट for his experiment and he selected seven contrasting characters for his experiment. So यहाँ पर एक question arise होता है कि Mendel ने pea plant को ही क्यों choose किया, कोई और plant क्यों नहीं? तो कौन कौन से reasons थे जिसकी वजह से Mendel ने pea plant को select किया? Reasons for the selection of pea plant. Reasons for the selection of pea plant. So first reason क्या था? Pure variety or true breeding plant were available. Pure variety or true breeding प्लांट्स ऑफ पी वर अवेलेबल। अब ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब है? अगर एक प्लांट है उसकी हम बहुत सारी जनरेशन तक सेल्फिंग कराएं, सेल्फिंग मतलब क्रॉसिंग विद इटसेल्फ, अगर हम प्लांट के सेवरल जनरेशन तक उसकी क्रॉसिंग कराएं तो उसमें जो प्लांट ऑप्टेंड होंगे दैट विल बी सिमिलर टू द पेरेंटल प्लांट। तो ये कंडीशन कब पॉसिबल है? जब वो प्लांट उस पार्टिकुलर करेक्टर के लिए होमोजाइगस हो, लाइक टीटी और टीटी। अगर हम इस प्लांट की सेल्फिंग कराएं तो F1 जनरेशन में हमें टीटी मिलेगा, फिर से अगर हम इसकी सेल्फिंग कराएं तो F2 जनरेशन में भी हमें टीटी ही ऑब्टेन होगा। इस केस में भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी टीटी ऑब्टेन होगा F1 जनरेशन, और F2 जनरेशन में भी हमें टीटी ही ऑब्टेन होगा। सो कितनी भी जनरेशन तक हम इन प्लांट्स की सेल्फिंग कराएं तो हमें सेम प्लांट ही ऑब्टेन होगा। अगर हमारे पास ये हाइब्रिड प्लांट है जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो इस केस में अगर हम सेल्फिंग कराएंगे तो हमें टीटी भी ऑब्टेन होगा और टीटी भी ऑब्टेन होगा। तो इस केस में ये प्लांट ट्रू ब्रीडिंग और प्योर वेराइटी नहीं होगा। सेकेंड रीजन वॉज दैट कि जो पी प्लांट है उसके अंदर बहुत सारे करेक्टर्स प्रेजेंट है जिसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड रीजन वाज इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स बहुत सारे प्रेजेंट थे इसमें पी प्लांट के अंदर। थर्ड रीजन वाज दैट जो पी प्लांट है वो सेल्फ पोलिनेटेड है, ठीक है, और हम इसको मैन्युअली क्रॉस ब्रीड भी करा सकते हैं। तो हम इसमें मैन्युअली क्रॉस ब्रीडिंग भी करा सकते हैं जिससे कि हमें अपने डिजायर्ड कैरेक्टर ऑब्टेंड हो सके। फोर्थ रीजन वॉज दैट कि जो पी प्लांट है वो एनुअल प्लांट है जो कि अपना लाइफ साइकिल एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट कर लेता है और इसके रिजल्ट विद इन 3 मंथ्स हमें ऑब्टेंड हो जाते हैं। नेक्स्ट रीजन वॉज जो पी प्लांट है उसको उगाना इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है और ना ही कोई आफ्टर केयर रिक्वायर्ड होती है, एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन। एक बार ग्रो करा दिया इसको और पोलिनेशन तक इसको देखने की भी जरूरत नहीं होती। द नेक्स्ट रीजन वॉज सिक्स्थ रीजन
जो इसमें F1 हाइब्रिड बने थे, F1 जनरेशन में हाइब्रिड बने थे, वो क्या थे? फर्टाइल थे, मतलब वो भी रिप्रोडक्शन शो कर सकते थे। तो ये सारे रीजंस की वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेंडल्स वर्क। मेंडल ने अपने वर्क को मेनली 3 स्टेप्स में कंप्लीट किया था। ऑन हिज वर्क इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट वन वाज सेलेक्शन ऑफ द पेरेंट, सेलेक्शन ऑफ द पेरेंट। सेकेंड वन वाज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन टू ऑब्टेन F1 जनरेशन। एंड थर्ड वाज सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन टू ऑब्टेन सब्सिक्वेंट जनरेशन दैट इज F2 F3 F4 एंड सो ऑन। इन द फर्स्ट पॉइंट सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट, मेंडल चूज ट्रू ब्रीडिंग और प्योर वैरायटी ऑफ पी प्लांट फॉर दैट पार्टिकुलर करेक्टर अंडर स्टडी। अभी बताया था मैंने ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। सेकंड स्टेप वॉज हाइब्रिडाइजेशन टू ऑब्टेन F1 जनरेशन। इसने जो है जो पेरेंट सेलेक्ट किया था उनको हाइब्रिडाइज किया और F1 जनरेशन ऑब्टेन किया। तो उसने हाइब्रिडाइजेशन कैसे किया? सपोज एक टॉल पी प्लांट है और दूसरा स्मॉल पी प्लांट है, तो एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन उसने एक प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स है उनको रिमूव कर दिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। अब इमैस्कुलेशन के बाद उसने जो अपने डिजायर्ड कैरेक्टर के पोलन ग्रेन्स थे उसको जिस प्लांट के एंथर को उसने रिमूव किया था उसके स्टिग्मा के ऊपर पोर करा दिया और उसके बाद उस प्लांट की बैग से कवर कर दिया, पेपर बैग से बैगिंग टू अवॉइड फॉरेन कंटामिनेशन इन दैट प्लांट, जिसकी वजह से मेंडल जो है अपने डिजायर्ड कैरेक्टर को ऑब्टेन करने में सक्सेसफुल रहा। थर्ड स्टेप वाज सेल्फिंग टू ऑब्टेन सब्सिक्वेंट जनरेशन। अब जो F1 जनरेशन उसको ऑब्टेन हुई थी उसकी सेल्फिंग कराई उसने, और F2 जनरेशन ऑब्टेन हुआ, F3 जनरेशन ऑब्टेन हुआ और F4 एंड सो ऑन। तो इन 3 स्टेप्स में मेंडल ने अपने काम को कंप्लीट किया था। अब हम देखते हैं मेंडल ने एक्चुअल में कौन सा क्रॉस कराया था। तो उसको जानने से पहले हम कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉब्लम्स होगी वो इजी हो जाएगी, आपको क्रॉस वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिक फॉर्मूला। तो फर्स्ट इज नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स। Describe 2 to the power n. Second is number of types of phenotypes. Iska bhi same formula 2 to the power n. Third is number of types of genotype. Iska formula 3 to the power n. अब यहां पर ये n क्या डिनोट कर रहा है? n इज द हाइब्रिड और हेटरोजाइगस,
एन इज हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस। अब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं। अगर हमारे पास एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है ए ए ए ए और ए ए, तो इस केस में कितने गैमेट्स बनेंगे, कितने फिनोटाइप्स बनेंगे। तो अब इसमें देखो, इसमें कितने हेट्रोजाइगस है, जीरो, टू टू द पावर जीरो, कितना होगा वन। अब इस केस में देखो कितने हाइब्रिड है, वन, दिस ओनली वन, तो इस केस में टू टू द पावर वन, तो दो गैमेट बनेंगे और दो ही इसमें फिनोटाइप बनेंगे अगर हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं तो। इस केस में कितने गैमेट बनेंगे, टू टू द पावर जीरो, इसमें भी एक ही गैमेट बनेगा, और अगर इसकी सेल्फिंग कराते हैं हम तो फिनोटाइप्स कितने ऑब्टेन होंगे, वन, और जीनोटाइप कितने ऑब्टेन होंगे इस केस में, थ्री टू द पावर जीरो वन, इसमें थ्री टू द पावर वन थ्री, और इसमें थ्री टू द पावर जीरो, दैट विल बी वन। तो इस केस में हमें गैमेट कितने मिलेंगे, एक, फिनोटाइप्स कितने मिलेंगे अगर हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं तो एक, और जीनोटाइप कितने मिलेंगे, एक। इस केस में हमें गैमेट कितने मिलेंगे, टू टू द पावर वन, दो गैमेट बनेंगे, और जीनोटाइप भी कितने बनेंगे, थ्री टू द पावर वन, दैट इज थ्री, और फिनोटाइप्स भी दो ही ऑब्टेन होंगे। इस केस में एज लाइक फर्स्ट केस, दो गैमेट होंगे वो एक बनेगा, और जीनोटाइप भी एक होगा और फिनोटाइप भी एक होगा। अब हम चेक करते हैं कि गैमेट कैसे बनाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ गैमेट, अब देखो हमारे पास एक जीनोटाइप है ए ए, तो गैमेट बनाने का तरीका क्या है, जो फर्स्ट लेटर है इसको एज इट इज लिख दिया, और जो बच गया उसको यहां लिख दिया नीचे, तो कितने गैमेट बने, इसका भी ए बनेगा और इसका भी ए बनेगा। अगर हम देखें तो ये दोनों गैमेट सेम है, तो एक टाइप का गैमेट बना। दूसरा केस देखो, टी टी और आर आर, अभी डाईहाइब्रिड क्रॉस है, तो इस केस में कितने गैमेट बनेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करो, टू टू द पावर, टू टू द पावर एन, एन कितने यहां पर दो, तो टोटल चार गैमेट्स बनेंगे। तो अब देखो चार गैमेट्स कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले जो फर्स्ट है इसको लिखो टी, और नीचे इसके दूसरा लिखो, अब इसके सामने ये दोनों लिख दो आर आर, इसके सामने भी ये दोनों लिख दो आर और आर। अब इससे एक गैमेट बनेगा टी आर, इससे एक गैमेट बनेगा टी आर, इससे एक गैमेट बनेगा टी आर, इससे भी एक गैमेट बनेगा टी और आर, तो टोटल कितने गैमेट बन गए, चार, जो कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। अब ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के केस में देखते हैं हम गैमेट कैसे बनाते हैं। ट्राई हाइब्रिड के केस में देखो हमारे पास एक प्लांट है जिसमें आर आर है और टी टी है और एस एस है, ये एक ट्राई हाइब्रिड प्लांट है, इसमें टोटल कितने गैमेट बनेंगे, टू टू द पावर थ्री, दैट इज एट गैमेट्स। अब देखो गैमेट्स कैसे बनेंगे इसमें, सबसे पहले तो पहले आर और आर को लिखो अलग से, ठीक है, फिर इन दोनों को इसके सामने लिखो टी टी, इसके सामने भी लिखो टी और टी, अब जो बच गया लास्ट में उसको इसके सामने लिख दो एस स्मॉल एस, यहां पर भी कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल एस एंड स्मॉल एस। अब देखो ये गैमेट बन गया आर टी एस, ये गैमेट बनेगा आर टी एस, ये एक गैमेट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल एस, ये भी एक गैमेट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल एस, ये एक गैमेट बनेगा स्मॉल आर कैपिटल टी कैपिटल एस,
ये गैमेट बनेगा स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल एस, ये भी एक गैमेट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल एस, एंड लास्ट वन इज स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल एस। तो टोटल कितने गैमेट बन गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से हमें गैमेट बनाना है। अगर टाइप ऑफ गैमेट पूछे तो इस तरीके से बनाना है, और टोटल नंबर ऑफ गैमेट पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो और आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं मेंडल के क्रोस के बारे में। मेंडल ने जो है पी प्लांट पर कैसे वर्क किया, हाइब्रिड क्रोस, मोनो हाइब्रिड क्रोस। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, बिकॉज ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए जीन विच कंस्टिट्यूट एट लीस्ट ए पेयर ऑफ एलील, ए पेयर ऑफ एलील और फैक्टर्स। ओके, सो इनहेरिटेंस ऑफ ए पेयर ऑफ एलील और फैक्टर एट ए पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज वन जीन इनहेरिटेंस, वन जीन इनहेरिटेंस। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल चोज हाइट ऑफ प्लांट, सो ही टुक टू प्लांट्स हैविंग टॉल हाइट एंड अनदर वन शॉर्ट और ड्वार्फ, टॉल पी प्लांट ड्वार्फ पी प्लांट। टॉल पी प्लांट का जीनोटाइप जो था वो कैपिटल टी था, और ड्वार्फ पी प्लांट का जीनोटाइप जो था वो स्मॉल टी था। इस केस में जो गैमेट बनेंगे, इस केस में क्या बनेगा, 2 to the power 0 दैट इज 1, इस केस में भी 2 to the power 0 दैट इज 1। तो जो गैमेट बनेगा वो टी होगा, इस केस में भी स्मॉल टी होगा। तो ये जो स्टेप था वो था फर्स्ट स्टेप ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, दैट इज सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। अब इन दोनों का मेंडल ने क्रॉस कराया, ये जो क्रॉस था वो रेसिप्रोकल क्रॉस था। रेसिप्रोकल क्रॉस किसे बोलते हैं, इसके अंदर जो क्रॉस है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के बीच में होता है। तो इस केस में जब F1 जनरेशन मेंडल को ऑब्टेन हुआ तो उसमें टॉल प्लांट ऑब्टेन हुआ जो कि टीटी जीनोटाइप था। अब मेंडल ने इस प्लांट का सेल्फिंग कराया, सेल्फिंग कराने के बाद जो मेंडल को प्लांट्स ऑब्टेन हुए उसमें टॉल प्लांट्स भी थे ड्वार्फ प्लांट्स भी थे, और उनका जीनोटाइप जो था वो डिफरेंट डिफरेंट था। इस केस में देखो टोटल कितने गैमेट्स बनेंगे, 2 to the power नंबर ऑफ हेटरोजाइगोट इज 1, 2। तो गैमेट फर्स्ट विल बी कैपिटल टी एंड सेकंड विल बी स्मॉल टी। अब इस पुनिट स्क्वायर की हेल्प से हम ये क्रॉस को चेक करते हैं। ये जो है पुनिट स्क्वायर है, इसके अंदर हम गैमेट रखते हैं, यहाँ पर मेल गैमेट और यहाँ पर फीमेल गैमेट। इस रो में हम मेल गैमेट्स रखेंगे और इस कॉलम में फीमेल गैमेट्स रखेंगे। जो गैमेट फॉर्मेशन थे वो कौन कौन से थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये दोनों गैमेट मिलकर बनाएंगे टीटी, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये दोनों गैमेट मिलकर बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस और इसकी वजह से कैपिटल टी स्मॉल टी और इसमें स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसका जो है फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप। इस केस में अगर हम देखें तो ये कैपिटल टी है, ये टॉल प्लांट होगा, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये भी टॉल प्लांट होगा, और इसमें ये टॉल प्लांट था और ये स्मॉल प्लांट था। तो टोटल कितने टॉल प्लांट हुए, 3, और जो स्मॉल प्लांट है वो कितने हैं, 1। तो 3:1
वन इसका फिर मेंडल ने अपने इस क्रॉस से पता किया कि एफ टू जनरेशन के अंदर टोल प्लांट्स हैं और ड्वार्फ प्लांट्स हैं, बट इनका जीनोटाइप क्या है वो मेंडल को नहीं पता था। तो मेंडल ने इनका जीनोटाइप पता करने के लिए क्या किया, बैक क्रॉस किया। बैक क्रॉस के अंदर हम जो हमारी प्रोजेनी है उसका क्रॉस कराते हैं विद द पेरेंट, तो पेरेंट के अंदर आइदर टोल और डॉट। अगर हम टोल करेक्टर वाले पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो इसको बोलते हैं आउट क्रॉस, आउट क्रॉस। अगर हम डॉट करेक्टर वाले रिसेसिव जीनोटाइप के पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे हैं तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो मेंडल ने जो प्लांट है उनका जीनोटाइप पता लगाने के लिए क्या किया था, टेस्ट क्रॉस परफॉर्म किया था। तो टेस्ट क्रॉस से कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें जीनोटाइप क्या है, तो सपोज ये प्लांट है हमारा टीटी है इसका और इसमें स्मॉल टी है। जब हम इनकी क्रॉस कराते हैं तो इसमें गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल टी, इसमें बनेगा स्मॉल टी। तो एफ वन जनरेशन में ऑल प्लांट्स विल बी टोल। तो इससे पता लगाया कि मेंडल ने ये जो प्लांट है वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट करेक्टर का, और दूसरा जो है कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका भी क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ। तो इसमें गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और इस केस में ओनली स्मॉल टी। तो इनके क्रॉस के बाद जो प्लांट ऑब्टेन होंगे वो कैसे होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ये जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा और ये ड्वार्फ होगा। अगर दोनों कैरेक्टर ऑब्टेन हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जो ये प्रोजेनी है इट इज हेट्रोजाइगस फॉर दैट पार्टिकुलर कैरेक्टर। ओके, क्योंकि यहाँ पर 50% टॉल प्लांट बने और 50% ड्वार्फ प्लांट बने। लास्ट केस में टीटी का जब इसके साथ क्रॉस कराया गैमेट बनेगा स्मॉल टी, इसमें भी स्मॉल टी, ऑल प्लांट विल बी ड्वार्फ। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमने यहाँ पर ये प्लांट लिया है इसका जीनोटाइप रिसेसिव करेक्टर वाला है और वो भी होमोजाइगस। तो इन टेस्ट क्रॉस की हेल्प से मेंडल ने इन प्लांट्स का जीनोटाइप ऑब्टेन किया था। तो इस टेस्ट के बेसिस पे मेंडल ने जो है एफ टू जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो पता किया था। ओके, तो फिनोटिपिक रेशियो क्या था, जो कि हमें बाहर से ही दिख रहा था, तीन टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट, टॉल रेस टू ड्वार्फ। ओके, थ्री रेशियो वन, तीन टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट। जीनोटिपिक रेशियो के अंदर उसको तीन टाइप के जीनोटाइप ऑब्टेंड हुए थे, कैपिटल टी दो, कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इनका जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, 1:2:1। अब हम इनकी फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि इस टेस्ट में कितनी थी, कौन से फिनोटाइप की और कौन से जीनोटाइप। इसकी हेल्प से हमें जो है अपने डायरेक्ट जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में वो सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिनोटाइप, फिनोटाइप की क्या प्रोबेबिलिटी थी। अब यहां पर देखो फिनोटिपिक रेशियो में 3:1, तीन टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है, तो टॉल प्लांट का क्या प्रोबेबिलिटी हुआ 3/4 और ड्वार्फ प्लांट का 1/4। तो जो डोमिनेंट करेक्टर है उसका कितना प्रोबेबिलिटी है 3/4 और जो रिसेसिव करेक्टर है उसका 1/4। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे पूछे कि इन ए ट्राई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ ड्वार्फ प्लांट हैविंग
राउंड सीट एंड येलो कोटिलीडन of a dwarf pea plant having round seed and yellow cotyledon. तो इस केस में हमें पता था कि जो dwarf है ये कौन सा है, recessive character है, round seed is dominant character, और जो ये yellow cotyledon है ये भी dominant character है. तो क्या probability होगी इस plant के आने की, इस ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर? तो ड्वार्फ मतलब 1/4 इंटू राउंड सीड 3/4 इंटू कोटिलीडन कलर दैट इज येलो 3/4 इट विल बी 9/64. मींस जो नो प्लांट होंगे आउट ऑफ 64 वो क्या होंगे, इस कैरेक्टर के होंगे. तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई करना है. अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप. प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप, अब देखो जीनोटिपिक रेशियो के अंदर, जीनोटिपिक रेशियो के अंदर जो टीटी है वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4. जो हेटरोजाइगस है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/4. और जो रिसेसिव होमोजाइगस है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4. तो सिंपली हमसे पूछे कि एक क्रॉस कराया गया है टी टी आर आर वाई वाई का सेल्फिंग कराया है, तो इसके अंदर जो जीनोटाइप है वो टी टी आर आर और वाई वाई का कितना आएगा? तो देखो इसके अंदर ये जो कैपिटल टी है इसका कितना फ्रीक्वेंसी है, 1/4. ये हेटरोजाइगस है तो इसका कितने है प्रोबेबिलिटी, 2/4. और इसका होमोजाइगस डोमिनेंट है तो 1/4. तो इस तरीके से 2/64, मतलब 64 में से 2 प्लांट्स जो होंगे वो इस जीनोटाइप के होंगे. अगर सेम क्वेश्चन में ये पूछे कि जो स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई इस जीनोटाइप का कितने प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो कैसे ऑब्टेन करेंगे, होमोजाइगस रिसेसिव जो है उसका 1/4 इंटू जो कैपिटल होमोजाइगस डोमिनेंट है उसका 1/4 इंटू होमोजाइगस रिसेसिव करेक्टर का 1/4. तो इसके अंदर 1/64, मतलब 64 में से एक प्लांट ऐसा होगा जिसका जीनोटाइप ये होगा. तो इस तरीके से हम इस प्रोबेबिलिटी का यूज करके डायरेक्ट अपने आंसर को निकाल सकते हैं.